जिला कुल्लू में सैकड़ों ऐसे मामले हैं जिनमें महिला को पति की मृत्यु होने के बाद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला चौंग गांव का सामने आया है। गायत्री देवी यहां पर अपने बेटे के साथ एक लकड़ी के मकान में रहती हैं। गायत्री देवी के पति का बीते एक महीने पहले ही निधन हो गया था। गायत्री देवी का पति मिस्त्री का काम करता था। गायत्री देवी के पति को शराब के नशे की लत लग गई थी, जिसके कारण वह अधिकतर पैसे शराब के नशे में उड़ा देता था। गायत्री देवी को घर खर्च चलाने के लिए भी बहुत कम पैसे देता था। अब बेटा ही गायत्री देवी का एकमात्र सहारा है। जरी निवासी राहुल विष्ट ने चौंग पंचायत की वार्ड पंच संतोष को कार सेवा दल के बारे में जानकारी दी। वार्ड पंच संतोष ने कार सेवा दल से संपर्क साधा और गायत्री देवी की दयनीय स्थिति के बारे में बताया। वार्ड पंच ने संस्था से गायत्री देवी की मदद करने का आग्रह किया। कार सेवा दल के प्रधान मनदीप सिंह ने चौंग गांव जाकर विधवा गायत्री देवी का हालचाल जाना और एक माह का राशन, बर्तन, कंबल आदि भी संस्था की ओर से दिया गया। साथ ही उन्होंने गायत्री देवी को कार सेवा संस्था की ओर से हर माह राशन देने का भी आश्वासन दिया। मैं ग्राम पंचायत चौंग वार्ड नंबर 2 से, तो मेरे वार्ड में गायत्री देवी, तो इनका परिवार बहुत गरीबी के उससे, मतलब गरीब परिवार, बहुत गरीब परिवार है। तो इनके जो हस्बैंड थे वो शराब, बहुत शराब पीते थे। इसकी वजह से इनके, मतलब इनका जो भी राशन कोई भी हो, बर्तन हो, सारा इन्होंने बेच दिया उन्होंने। तो एक महीना पहले उनके वो मतलब एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद इनको पालने वाला कोई नहीं रहा। तो अब थोड़े दिन के लिए इनको अपने, उनके जो देवर थे, अपने पास ले गए हैं। तो फिर मैंने कार सेवा दल वालों को, मतलब उनके उनसे मतलब मदद मांगी, तो वो हमारे यहाँ ग्राम पंचायत चौंग में आकर उनकी मदद की। तो मैंने फिर, अब मैं चाहती हूँ कि आगे भी इनकी मदद करें, और मैं इनका धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ पर इनकी मदद की। तो मैं चाहती हूँ कि मैं पंचायत की तरफ से जितना भी मेरे से इनके लिए मदद हो सकती है, मैं करने की पूरी कोशिश करूँगी। जो इनकी विधवा पेंशन है, जो मैं पहले इनका मेडिकल करवा दूँगी, तो उसके बाद मैं जल्द से जल्द इनको विधवा पेंशन लग जाए, ताकि इनकी मदद हो जाए। कुल्लू से धनेश गौतम की रिपोर्ट।